Mana is a must visit place. Mana is must. Yeah. आपने कितने मेहनत करी इसको प्रसाद के लिए प्रसाद बना रहे हैं काम करते हैं ये एक्सपर्ट है भाई अच्छा इनको बहुत याद हेलो हाय शमनी वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की शुरुआत हो रही है, सुबह की शुरुआत हो रही है हमारे इष्ट देव के मंदिर से और आज हमारे गांव में बहुत कुछ होने वाला है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे इस वीडियो में और करते इस व्लॉग की शुरुआत। चलिए सुना, ये नानी बोल रही है कि वो हमको गाना सुनाने वाली है। नानी आज गाना सुनाओगे आप हमको? क्यों नहीं सुनाएंगे, फिर हम उसके बाद रील भी बनाएंगे। ठीक है, हम दोनों तब आज बोलेंगे। हाँ, तो उसके जमे सांस फूलें, चलो थोड़ी देर बाद आगे बैठ के गाएंगे। ठीक है, हाँ शांति बैठेंगे। अभी हम कहाँ जा रहे हैं नानी? अब जा रहे हैं हम, हाँ कोई आ गया बाहर से लोग भाषण देने, भाषण दे रहे वहाँ पर मेरी सहेली है। हाँ सहेली को बुला रही नानी, अपने अपने सहेली को बुलाओ। कैसे फिर बोलो ऐसे सहेली ऐसे सहेली की फिर मारा चुका। चलो माता मेरी फर्स्ट क्लास वाली नानी है, फर्स्ट क्लास वाली नानी सबसे बूढ़ी है। सबसे बूढ़ी हो आप, कितने साल हो गए आपको? 85। 85 मतलब 85। नानी कौन सा गाना सुनाओगे? तब दौड़ 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 के जा रही, अब नानी हमको गाना सुनाएगी। अच्छा सा थोड़ी देर में उसके मैं सांस फूले। आज यहाँ पे ITBP वाले आ रखे हैं हमारे गांव में आज। हाँ क्यों आ रखे नानी? आज ITBP फर्स्ट क्लास आ रही, फर्स्ट क्लास आ रहा है। आई नहीं दोस्तों, मैं जा रही हूँ तैयार होके स्टेडियम में, चलते हैं वहाँ का प्रोग्राम देखते हैं। ये हमारे गांव का ऑडिटोरियम हॉल है और आज यहाँ पे क्या होने वाला है? आज यहाँ पे जो है मीटिंग हॉल में सब मीटिंग होने वाले हैं, कई स्वास्थ्य विभाग से आने वाले हैं। अच्छा, स्टील कंपनी से आने वाले हैं। अच्छा, इनको बहुत याद करते हैं, सब सब करते हैं। कह रहे थे बिम्बदी नहीं दिखाई, इनका बारिश में छुप गए अंदर। अच्छा कह रहे आपके दोस्त लोग का कमेंट आ रहा था। ये हमारे गांव का ऑडिटोरियम हॉल, और यहाँ हमारे गांव वाले बैठे हैं। ये गुच्छा को यहाँ भी फुर्सत नहीं है, अब ना बुनाई लेके आई है गुच्छा खाली यहाँ पर भी नहीं बैठी है, अब ना बुनाई लेके आई है हॉल में सुनते सुनते। दोस्तों हम ऑडिटोरियम हॉल में बैठे हैं इंदु और तोजो के साथ। हाय कर इंदु, अरे तोजो, और यहाँ पे लाइट चली गई है, थोड़ी देर में यहाँ प्रोग्राम शुरू होने वाला है, पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम होगा। आने दिखाइए, जनता भी धीरे धीरे आ रही है, इधर साइड भी है जनता। मोदा बाबा कल खचाखच भरे थे दोस्तों, लाइट आ गई है यहाँ पे। धन्यवाद आप लोगों का यहाँ आने के लिए, आप लोग अपना गिनती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। मैं कुछ दो लफ्ज कहना चाहता हूँ स्टील कंपनी के बारे में। स्टील कंपनी एक मुहिम स्टार्ट करी है परिवर्तन की गंगा, परिवर्तन की गंगा। इसमें स्टील कंपनी ने उत्तराखंड में कृषि यंत्रीकरण के माध्यम से किसी में बदलाव लाने के लिए स्टील कंपनी इंडिया ने गर्व के साथ परिवर्तन की गंगा की शुरुआत की है, जो एक परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य
उन्नत कृषि यंत्रीकरण के माध्यम से उत्तराखंड में कृषि पद्धतियों में क्रांति लाना है। ये पहल परिवर्तित पवित्र नदी गंगा से भरी जो पांच नदियों भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, धौली गंगा और पिंडर के इवेंट मैनेजमेंट करने वाले श्री अनुज जी, नीलेश जी, अन्य जो भी उनके सहयोगी हैं, मैं आपका ग्राम पंचायत माना जी से हार्दिक स्वागत है। आज स्टील कंपनी के लोग माना गांव में वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत आए हैं, जिसमें हमको पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। तीन चार चीज़ें एक साथ है, शायद ऑडिटर मॉल में स्टील कंपनी भी आ रही है और ये हमारे पीछे पूरे साथ से टोपी पहन के हीरोइन बन गए वहाँ देखा। मसूरी के प्रशिक्षु अधिकारी आ रहे हैं, वो अभी रास्ते में हैं, तो इस बीच में मैं उनको बुला देता हूँ। आना क्या हीरोइन लग रही पीछे पहन रहे पहन गति पागे पर टोपी पहन के ऊपर से आपको पता ही नहीं चला। ये देखो काम करती है, ये एक्सपर्ट है भाई। ऊपर से ओके टोपी पहन के लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी से आए प्रशिक्षक जो है आई है। आप इम्पोर्टेंट है ना? हाँ लाओ। आना हमारा नंबर नहीं आया, हम एक दूसरे को बनाते हैं। आप मेरे को बनाओ, मैं आपको बनाती हूँ। हमारा नंबर नहीं आया। इस क्षेत्र को ये जो गांव आपके सामने देख रहे हैं, इस गांव
करके आप सोचेंगे, स्मरण करेंगे और मनन करेंगे कि इस गांव का हमने भ्रमण किया था भारत के बहुत सीमा पुलिस बल के माध्यम से, तो इस गांव के बारे में सोचना आपका नैतिक कर्तव्य बनता है, जो मैं आपसे आशा करता हूँ। आशा ही नहीं, ये पूरा गाँव आपसे अपेक्षा है कि आप इस गांव के लिए आने वाले समय में और से कुछ न कुछ कदम उठाएंगे, जो आपके हाथ में, जो आपके हाथ में पावर दी जाएगी। तो मैं अभी ज्यादा समय न लेते हुए प्रधान जी का फिर एक बार से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे ग्रुप को और मेरे आईटीबीपी परिवार को इस प्रकार से सम्मानित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे सिंडिकेट की टीम लवासना की तरफ से हमारा नमस्कार, और जिस प्रकार आपने हमारा सम्मान किया है वापस से, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और आज हम आप लोगों के बीच में आए हैं, हमारा मेन उद्देश्य यही है, जिस प्रकार प्रधान जी ने बताया कि हमें कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पर फोकस करना है, तो आज हम लोग सीखने आए हैं आप लोगों की क्या समस्याएँ हैं, क्या आप लोग किस प्रकार से माना और डेवलप करना चाहते हैं, और क्या संदेश आप सरकार माध्यम से देना चाहते हैं। तो वही हमारा आज का उद्देश्य है कि आप लोगों के बीच में बैठे बात करें, गाँव के बुजुर्ग लोगों से, नौजवानों से, बच्चों से मौका मिलेगा है, वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हम लोग यहाँ से ना सिर्फ यादें लेना चाहते हैं जो आप लोगों ने हमारे साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया है, हम यहाँ से आपकी समस्याओं के लिए लेना चाहते हैं कि आप लोगों को परेशानियाँ हैं, और क्या एक आप निर्देश सरकार को भी देना चाहेंगे कि हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम गौरव यादव है, मैं हरियाणा के एवडी से हूँ और मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हूँ। श्री पत्री विशाल लाल की जय। श्री घंटाकर्ण जी के चरणों में हमें नमन करते हुए आप सारे माना गांव के निवासियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम संतोष है और मैं कर्नाटक से आता हूं और मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम्स में काम करने वाला हूं। हमारा कल्चर में हरासमेंट हो रहा है, चाहे आप ये जानते हैं
बड़ी बात सही बात गले में है टोजो इसे पूजो कुछ कैसा लगता है ये जी बहुत बहुत अच्छा लगा आप फर्स्ट टाइम आए हो जी फर्स्ट टाइम कहाँ से आए हो जी मैं अभी तो लवासा मसूरी से आया हूँ अच्छा वैसे बिहार के रहने वाले हमारी पहली पहली बार विजिट किया आपको जी और आपने कितनी मेहनत करी इस कॉम्पिटिशन को निकालने के लिए कि मुझे मतलब मैं मतलब पढ़ाई के उसमें थोड़ा सा वीक आई हूँ तो मुझे ऐसे पढ़ने वाले बच्चों को देख के काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि कैसे आपने एग्जाम क्रैक किया आप थोड़ा सा बताना चाहोगे ताकि मेरे जो यूथ है वो लोग भी मेहनत करें आगे जी मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पढ़ाई स्टार्ट करी थी
तो मुझे 2 साल लग गए दूसरे अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो 2 साल जी बिल्कुल मतलब कट ऑफ होके रहना पड़ा और बिल्कुल जो कहते हैं मतलब दिन रात एक करके मेहनत करना पड़ा तब जाके सिलेक्शन हुआ। 2 साल लगातार जी लोगों को 5 साल में लग जाते हैं, कोई 1 साल में भी करता है, समय जी समय लगता है। देखिए अभी भी मेरी काफ़ी पहचान में, तो अभी भी तैयारी कर ही रहेगा काफ़ी साल से, फिर आपको थैंक यू। आप कहाँ से हो? पौड़ी से? यहाँ पे यहाँ IDBP में ही हो? ये तीन कूड़े है ना, ये तीन तो यहाँ पे कोई और भी है, मैं आपको इनसे मिलाती हूँ। ये भी है हमारे नए प्रशिक्षित है ना जी। आपका शुभ नाम? निमिषी। और आपका? अदिति। आप दोनों कहाँ से आए हो? मसूरी से आए हैं। अच्छा, कैसा लगा आप लोग हमारा गांव? माना मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे तो एकदम सिटी लग रहा है ये। काफी काफी डेवलप हो गया, पहले काफी दिक्कतें थी, अब काफी डेवलपमेंट हो गया धीरे धीरे। मतलब आपका कल्चर भी बहुत अच्छा लगा, और आपकी ड्रेस जो है वो हम लोग को काफी पसंद आई, और हम लोग ढूंढ रहे हैं, हमें मिल नहीं रहा है। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक शॉप है ना, अच्छी फोटोग्राफी का ही है, मतलब इधर ब्यास के पास जाते हुए वहाँ पे ड्रेस वगैरह सारे रखे हुए उन्होंने, और हमने यहाँ का लोकल सूप भी पिया जो हमें हम यहाँ वो आलू खाना चाहते हैं। आलू अब नेक्स्ट मंथ होएगा, वो भी बहुत फेमस है यहाँ के, तो यहाँ के आलू के लोग बहुत अच्छे हैं। थैंक यू, आप लोगों की हॉस्पिटैलिटी और कल्चर बहुत आप लोग भी बहुत अच्छे हो, और आप लोग बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे गांव वाले की तरफ से। एंड माना इज अ मस्ट विजिट प्लेस, माना इज मस्ट विजिट, प्लीज आप लोग भी आइएगा और हमारे गांव को जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू। बता दी आप लोगों ने अपनी समस्याएं, अपनी समस्याएं बता दी, अब जल्दी दूर हो जाएगी आप लोग की समस्या। जॉब गई थी, सारी रिटायर हुई थी, वापस गाँव आ गए। और अपने गाँव में जो मेरे पापा लोग हैं फोर्स से रिटायर्ड हो गए, उनको गाँव ही अच्छा लगता है, अपना गाँव अच्छा लगता है, जो गाँव ही हमें अच्छा लगता है। मलयालम तो आप मलयालम में नमस्ते बोल दो, नमस्कार वैसे बोलते शमनी बोल दो ये हमारी भाषा में नमस्ते है। कुछ चेयर्स करो, चेयर्स चेयर्स। दोस्तों चाय पीने के बाद अब यहाँ पे कुछ और हो रहा है, क्या कब सब चल रही है आप दोनों की? हम दोनों भाई ने और हमारी जो है आईफेस बिटिया है हमारे साथ, और जो डायरेक्ट देवबंदी है, हमें घर हमारी बुटिया है मणिपुर से है। अच्छा, चलो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलते। बद्रीनाथ हॉस्पिटल से आए कैंप वाले, फ्री निःशुल्क चेकअप, निःशुल्क चेकअप। तो दोस्तों ये हमारी महिला अध्यक्ष है ना, मुझे आज पता चला, बधाई आपको। और इनका शुभ नाम है रीना रागव। चलो दोस्तों तो अब जाते हैं हम घर, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया, फिर बाय 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 बाय, वेलकम। और क्या 10 किलो बोल दो। मैं नाम तय किया है, हम प्रसाद के लिए प्रसाद बना रहे हैं, पूरी पकड़ा और ताऊ जी वहाँ पितर पूजा कर रहे हैं। आएगा? हाँ, आज हमारे घर में पितर पूजा हो रहा है,
इसलिए अनु बेटी को जरा हेल्प के लिए बुला रखी है, और एक मेरी भतीजी है सावी, उनको भी बुला रखी है। शाम को हमारा ध्यानिया आएंगी, अभी अभी ये लोग पकौड़ी बना रहे हैं। सौभाग्य दीदी हो, हमारे ताई जी का स्वास्थ्य पितर देवता स्वस्थ कर दो, ताकि हम 10 रील बनाए दिन में। और ये पितरों का आशीर्वाद, हरियाली कान पे लगाते हुए करते इस ब्लॉग को एंड। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मैं यही कहना चाहती हूँ लास्ट में कि अगर आप लोग को हमारे ट्रेडिशन अच्छा लगा हो, हमारे कल्चर से जुड़ना हो, तो आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर सकते हो, देख सकते हो। अनुषा परमार के नाम से आएगा अगर आप सर्च करोगे, और ऐसी ड्रेस दिखाई देगी तो आप उससे पहचान जाओगे कि वो मेरा चैनल है, और फेस आप देख ही चुके हो। मानव ब्लॉगर्स आपके साथ हम एक फोटो